बहादुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानोमाल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मुझे सरदारी चाहिए होती तो खुद कहता, अपनी लालची बीवी और चचा के झूठे दावों की बुनियाद पर कबीले का सुकून बर्बाद न करता। मुंह के बल गिरो के कुर्तोख लो, क्योंकि मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। अपनी तलवार और ज़बान अपने काबू में रखो। तुम सिपाहियों को जमा करो और कहो कि जिरगे के वक्त तैयार रहे, और अगर जरा से भी गड़बड़ नजर आए तो किसी का लिहाज करने की जरूरत नहीं। अगर ये सरदारी की जंग आपको कुंदुकदू भाई से दुश्मनी पर आमादा करे तो मत कीजिएगा, दूर रहिएगा। क्या हमारे लोग तैयार हैं? सब तैयार हैं। किसी ने भी अगर कोई गड़बड़ की, सजा से नहीं बच पाएगा। हमारा उम्मीदवार गुंदोगदू है। ये क्या सुलेमान शाह के गुंदोगदू कैसे उम्मीदवार हो सकता है? बेटा अपने बाप के मुकाबले में कैसे आ सकता है? नहीं लगता गुंदोगदू ऐसा करेगा, नहीं लगता गुंदोगदू कभी ऐसा करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुंदोगदू सुलेमान शाह की बहुत इज्जत करता है, वो कभी उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। अब जबकि मेरा भतीजा कॉल से फिर गया है तो मैं उम्मीदवार हूँ। भाइयों, इस सूरत हाल में जो ये कहता है कि उसके सरदार सुलेमान शाह है, वो हाथ उठाए। सुलेमान शाह हमारा सरदार, सुलेमान शाह जिंदाबाद। हम सुलेमान शाह के अलावा हम किसी को भी सरदार नहीं मान सकते। सिर्फ सुलेमान शाह, सुलेमान शाह कोई सरदार नहीं हो सकता। सुलेमान शाह हमारे कबीले का सरदार, सुलेमान शाह को सुलेमान शाह जिंदाबाद। इस वाज़े अक्सरियत के साथ कबीले के नए सरदार सुलेमान शाह हैं। सुलेमान शाह आप खुश रहे। सुलेमान शाह खुश रहे।
सुलेमान शाह जिंदाबाद। वापस आया हमारे सरों पर सवार। तुम्हें भी मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की किताब की अपने परचम की और अपनी तलवार की कसम खाता हूं कि मेरी तलवार अपने कबीले के अमन के लिए हमेशा बेनियाम रहेगी। हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा और अगर मैं नाकाम हुआ तो मेरी तलवार मेरे ही खून से रंग दी जाए। मैं उफ भी नहीं करूंगा। सूरज के तुलू होने से उसके गुरूब होने तक मैं इस जहान में अपने कबीले को नुमाया इम्तियाज दिलवाऊंगा। मैं हर समंदर, हर चश्मे और हर मैदान को पैगाम हक की खातिर पार कर जाऊंगा, अल्लाह और रसूल के नाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ हमेशा बरसरे पेकार रहूंगा। अल्लाह हमारा हामी और मददगार हो। आमीन। किताबे खुदा शाहिद है मेरा परचम शाहिद है और मेरी तलवार मेरी शाहिद है। बहुत मुबारक हो आपको सरदार। शुक्रिया देली दबीर। सरदारी मुबारक हो आपको सरदार। बाबा का मुखालिफ समझ रहा था आपको भाई। सियासत में बड़े दाव पेच और चाले होती है अर्तुरल, और बाज़ोकात जंग हथियारों के बजाय चालों से ही जीती जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे सरदार। मेरे बहादुर फर्जंद, खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। यहां आ जाओ। अल्लाह उम्र दराज अता फरमाए। फतह हमेशा तुम्हारे कदमों तले रहे। खुदा तुम्हारी नस्ल मजबूत रखे हमेशा।
आपका सरदार मुंतखब हुआ। हमारे हाथों में ये ढालें और ये तीर कमान हमारी रवायात का हिस्सा है और हमारा ये परचम हमारी पहचान है। हमारी फतुहात का सिलसिला जारी रहेगा। सूरज हमारा परचम है और आसमान हमारी मंजिल। खुदा हमारा हामी और मददगार रहे। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा गुंदूक तू। तुमने धोखा किया मेरे साथ, अब तुम्हारी जिंदगी खाक में मिला दूंगा मैं। बाबा के साथ मिलकर तुमने साजिश रचाई है। बाबा ने और मैंने साजिश को वहीं कुचल के रख दिया। आह कुंदोक तू, आह तुमने तो सारे सरदारों की उम्मीदों को कुचल कर रख दिया जो तुम पर अंधा इतमाद करते थे। तुम्हारी धोखेबाजी ने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। जब तक बाबा है वही इस कबीले के सरदार रहेंगे। जितनी जल्दी हो सके ये बात समझ लो तुम और समझा दो दूसरों को भी। तुम्हारी और किसी की भी साजिश अब कामयाब नहीं होगी, याद रखना। सरदार बनना तो दूर की बात, मर्द ये नहीं हो तुम। खामोश हो जाओ, ये सब तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ज़बान संभालो संजान। बोल दो चुका, तुम जैसा बेगैरत पर तो चोर बनेगा। कारखाने से ये कालीन बनकर आए हैं, ये आखिरी खेप है हाइमा खातून। ठीक है बेटी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ गुंदोग दो बेटा। आप बाहर जाइए। खैरियत है बेटा? वालिदा, मैं चाहता हूं कि जल्द आप मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढें। क्या तुम ये बात सोच समझ के कह रहे हो? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं तैयार हूं वालिदा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। मैंने सोच लिया है। ये क्या कर रहे हो गुरदोलो? हार गए तो कबीला छोड़ के जा रहे हो? मैं इस कबीले से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखता सजान खातून। तुम्हारे बुजदिल शोहर ने मुझे रुस्वा करके रख दिया है। इस कबीले में अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैं भी तो बर्बाद हो गई हूं।
सुलेमान शाह के बेटे भी उसी की तरह धोखेबाज निकले। मैं तो अपने आप को उनसे किसी न किसी तरह बचा ही लूंगा, लेकिन नहीं जानता कि तुम्हारा क्या होगा। अल्लाह रहम करे तुम पर। शुक्रिया तुम्हारा। कोक्षे, लेटी रहो मेरी बच्ची, लेटी रहो। जानता हूं बहुत तकलीफ में है मेरी बेटी। तुमने अपनी जान दांव पे लगा के मेरे बेटे की जिंदगी बचाई। हम तुम्हारे एहसान मंद हैं बेटा। अल्लाह चल तुम्हें सेहतियाब करे। मैंने जान दांव पर इसलिए लगाई अपनी क्योंकि अर्तुरुल के लिए कुछ भी कर सकती हूं मैं। लेकिन बाबा, मुझसे वादा करें कि अब मजबूर नहीं करेंगे मुझे आप, इसलिए कि जो मैं चाहती हूं वो नहीं हो सकता कभी, और मैं अर्तुरुल को मजीद परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि जान से ज्यादा अजीज है वो मुझे। बाबा, मैं कभी भी आपको, हाइमा खानम को और किसी को भी खुशी नहीं दे पाऊंगी जिंदगी भर। कोक्षी, मेरी एक बात मानेंगे पापा? कहो बेटा। अर्तुरुल, उनको आज से मैं अपना भाई मानती हूं। मैंने गलत समझा पापा, उनके दिल की मलिका मिल गए हैं उनको, और मेरी ख्वाहिश है कि अर्तुरुल खुश रहे हमेशा। सुलेमान शाह के हाथों एक बार फिर तुम्हें मुंह की खानी पड़ी कुर्दोगलो। गुंदुगदु को उम्मीदवार बनाया था, सरदारों को एक एक करके खरीद लिया था। मैंने सोचा था कि बाप बेटों के दरमियान खलीज पैदा हो जाएगी, लेकिन गुंदुगदु ने सत्यानाश कर दिया। हमें अब कुछ और सोचना होगा। ये काम तुम्हारी सोच से ज्यादा मुश्किल है। हर चाल इस वक्त नाकाम हो जाएगी। सोचने समझने का वक्त नहीं रहा हमारे पास। चढ़ाई कर देते उन पर। तुम अपने दुश्मनों को एक एक करके शिकार बनाओ अपना। गुस्से में आकर तुम अपने ही शिकंजे में ना फंस जाना कहीं। कुर्दोगलो, तुम्हें एक काम करना होगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सबसे पहले गुंदुगदु को खत्म करना है। पूरे कबीले को यह बावर करवा दो कि तुम्हारे साथ गद्दारी का अंजाम क्या होता है। इसे अपने पास रखो, ये दुश्मन को जेर करने वाला जहर है। और उस छोटे शहजादे को अपने साथ लाना मत भूलना। तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। और तुम शहजादे की फिक्र ना करो, वो बहुत जल्द तुम्हारे हाथों में होगा। तुर्कुत को इस हाल में देखकर बहुत अफसोस होता है बंसी। दुआन, अगर इब्नुल अरबी वापस नहीं आए और उनके लौटने तक तुर्कुत को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अल्लाह ने चाहा तो एक दिन सब ठीक होगा इंशाल्लाह।
दुआ करो कि इब्नुल अरबी जल्द से जल्द लौट आए। पानी, पानी, पानी मांग रहा है, पानी दो। लाओ, ये लो पानी। तुरगुत, पानी पियो आराम से। बंसे, मेरा नाम पुकारा इसने, सुना तुमने? हाँ बंसी, कहा इसने? और पानी पियो, और पानी पियो। तुरगुत मेरे भाई, मेरे भाई ने मुझे पहचान लिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है भाई, तूने हमें ये दिन दिखाया। शुक्र है मेरे मालिक, मेरा भाई सही हो गया। मैंने तुमसे वादा किया था और अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। तो बताएं कौन है कातिल? तुम अगर मेरी बात गौर से सुनोगे तभी अपने बाबा का इंतकाम ले सकोगे। आप बताएं, मैं सुन रहा हूं कुर्दोगलू। बाबा के कातिल का नाम बताइए। अफसिन पाशा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें उस तक पहुंचने का तरीका बता दूंगा, जाकर खुद ही पूछ लेना उससे, फिर जो तुम्हारी मर्जी। यकीन करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। क्या है ये गीत? आजकल तुम बिल्कुल किसी से बात नहीं करते। मैं ठीक हूं बाजी, परेशान ना हो आप। हलीमा सुल्तान, सुलेमान शाह ने आपको याद किया है। आपने मुझे याद किया था। करीब आओ। ये लो, इसे गुंदुगदू की पानी वाली सुराही में मिलाना है तुम्हें। समझे हैं वो क्या काम? कुर्दोगलू से गद्दारी का अंजाम मौत है बस। बाबा मिलना चाहते हैं मुझसे। मुझे भी यही हुक्म मिला है। खैरियत होगी इंशाल्लाह।
से मिलना चाहते थे आप। बैठ जाओ मेरे बच्चों। एक जरूरी बात करनी है तुम दोनों से। गोक्चे से बात हुई थी मेरी और उसने ये कहा है मुझसे कि अर्तुरुल को आज से मैं अपना बड़ा भाई मानती हूं। मैं गलत थी, उसके दिल की मलिका हलीमा है। और अगर आप इजाजत दें बाबा तो अर्तुरुल भाई हलीमा सुल्तान से निकाह करके खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजार सके। वालिदा, अल्लाह शादो आबाद रखे तुम्हें, औलाद की खुशियां नसीब हो। खुदा तुम्हारी मोहब्बत इसी तरह कायम रखे। आमीन बाबा। हमेशा खुश रहो बेटी। मैं अंदर आ सकता हूं गुंडोगदू भाई? जाओ। क्या कर रहे थे तुम अंदर? सलजान खातून ने कालीन भिजवाए थे, वो अंदर रख रहा था। चलो ठीक है, जाओ। जी अच्छा। अफसिन पाशा से मिलना है मुझे। यकीनन शहजादे। जवानों तैयार है सब? जी तैयार है सब। बहुत खूब। शहजादे ये सिपाही आपके साथ जाएंगे। अफसिन पाशा को ऐसी सजा दीजिएगा जिसका वो हकदार है। कातिल को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए।
कोई मदद करो हमारी। अफसिन पाशा यहाँ आएगा? जी हाँ शहजादे। तो आया क्यों नहीं अब तक? ये खंजर आपके हाथ में सेब नहीं देता शहजादे। खुशी हो रही है मुझे भी। शहजादे ये गीत भी सुनकर खुश होंगे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम सबको तो मैं देख लूंगा। छोड़ो मुझे कतारो। तुम लोगों का अंजाम ठीक नहीं होगा, याद रखना। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। खातून क्या हुआ ना? जाओ जल्दी किसी को बुला के लाओ। अर्तुरुल भाई क्या हुआ है हमसा? गुंदोग तू भाई को कुछ हो गया। मैं सुलेमान शाह को इत्तला देने जा रहा हूँ। हाय सलजान, क्या हुआ इन्हें बताएं? मुझे नहीं मालूम बेचा भाई, तो इसी तरह इसको देखा। अता के लिए से बचा लो अर्तुरुल, मरने नहीं देना इसे। यार मेरी जान ले ले। क्या हुआ इसे? क्या हुआ है मेरे बच्चे को? भाई को ककोजा के खेमे तक ले जाना। सिपाहियों से कहो गिलीम लेकर आए जल्दी। ठीक है भाई। परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। वालिदा सलजान खातून को बाहर ले जाए। तुम मेरे साथ हो। चलो चलो भाई। जान तो दो।
हिम्मत करें। कंदुकदू हिम्मत से काम लो कंदुकदू, ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाएंगे भाई, ठीक हो जाएंगे। सहजान मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा मेरी जान, अल्लाह पे भरोसा रखो। सहजान कुछ नहीं होगा। परेशान मत हो, दुआ करें इनकी सर। मेरी बच्ची, दुआ करो अल्लाह से, दुआ करो सहजान, बस संभालो खुद, हौसला रखो बेटा। सहजान अर्जुन और हलीमा ने बचा लिया उसे, अब वो खतरे से बाहर है। परेशान मत हो बेटा, हाइमा के साथ अपने खेमे में जाओ, संभालो अपने आप को, दुआ करो उसकी जिंदगी के लिए। मेरी बच्ची चलो हम तुम्हारे खेमे में चलते हैं, चलो सब ठीक हो जाएगा, दुआ करो अल्लाह से, हिम्मत रखो, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को, बस करो, नहीं होगा, अल्लाह से दुआ करें, उठाओ नहीं जल्दी से, उठे संभाले खुद को, उठ जाए, हिम्मत करें, अल्लाह से दुआ करें, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत बस कर दो सिलजान, संभालो अपने आप, वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल ठीक कर देगी, अल्लाह मदद करे बेचारे की, अल्लाह इसके शौहर को ठीक कर दे। खूब खेल खेला तुमने मेरे सुलेमान शाह और उसकी बेटों के साथ, अब तुम्हें मालूम होगा कुर्दोगलों को धोखा देने का अंजाम। के पहरेदार हमजा ने खेमे से निकलता देख लिया था मुझे। जहन में डालो उसे। आप कहें तो उसका भी काम तमाम कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुश्किल में पड़ जाऊं मैं। नहीं, इस तरह हम नजरों में आ जाएंगे। दुरुस्तों की तरफ चले जाओ तुम। अगर इन्होंने तुम्हारा पूछा तो इन्हें वहां भेज दूंगा मैं। उनका अकेले मुकाबला कैसे कर सकूंगा मैं? फिक्र मत करो, अकेले नहीं होगे तुम वहां, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। ये लो तुम्हारा बकिया मुआवजा। सहजान मेरी बच्ची, कुंदोगदू खतरे से बाहर है, मगर तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। कुंदोगदू को क्या हो गया? इतना मजबूत आदमी किसी के सर सीधे पत्ते की तरह मेरे हाथों में था। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना है। पहले कोकचे और अब कुंदोगदू, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? कुछ तो बोलिए वालिदा। सहजान, इंसान जितना अपने अंदर तलखियां जमा करता है वो जहर बनती जाती हैं। गोगची और तुम जब यहां आई थी वो दिन मुझे आज भी याद है। खौफ सताते हम, बहुत छोटी थी मैं,
और तनहा भी बहुत मायूस थे हम दोनों। इन्हीं हाथों से पाला है हमें आपने, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। नफरत को नफरत और रंजिश रंजिश को नहीं मिटा सकती कभी। तुम दोनों की मैंने एक नाजुक कली की तरह परवरिश की है। पहले मेरे चार बेटे थे, तुम दोनों के आने से दो बेटियां भी मिल गईं और मेरे घर में रौनक हो गई। बाजी गुगची, गुगची। परेशान ना हो पापा, बैठ जाए। कितना मकरूह है ये पापा। लगता है भाई को जहर दिया गया है बाबा, मगर कैसे दिया गया? शायद इनके खेमे में कुछ हो। खेमे में? अलीमा, सलजान ये पानी पियो बेटा, उठो। शाबाश, ये लो। उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से। सुलझान तो बोलो, कहां जा सकता है वो? बाबा के कत्ल के बाद वो हमेशा इंतकाम लेने की बात करता रहा, और अब वो घोड़े पर सवार होकर हथियार के साथ कहीं गया है। ये कहत इसे दोरा बाजी, क्या हुआ तुम्हें? गद्दार कौन है मुझे पता चल गया।